हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हाउ आर यू लेट अस स्टार्ट ए न्यू यूनिट दैट इज़ यूनिट नंबर थ्री एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसके बारे में पढ़ते हैं मैंने आपको बोला था कि इसको देखने से पहले इस क्लास को आप पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो जरूर देख लें ठीक है ये मेरा जो है पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो है ये वाला ये आप जरूर देख लें और उसमें आप सर्च कर सकते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या फिर पीरियोडिक टेबल विद सिंपल ट्रिक्स बाय जोगी सर या जे एस सर केमिस्ट्री पे आप इसको सर्च कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर और इसके नोट्स हमारे पास कंप्लीट होंगे अगर किसी को ज़रूरत है तो कमेंट कर दें ग्रुप के अंदर और उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और उस लिंक के अंदर क्या है मेरा नंबर होगा या फिर ईमेल एड्रेस होगा उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ये चैप्टर बच्चों टेंथ क्लास पे बेस्ड है बिल्कुल टेंथ में जो आप पढ़ते थे चैप्टर वही चैप्टर है बट इसमें थोड़ा सा एडवांस भी आएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी इलेवंथ है इस वजह से इसमें ज़्यादा भी आता है थोड़ा सा तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है के नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों ज़रूरत पड़ी भाई क्लासिफाई करने के एलिमेंट्स को एलिमेंट को क्यों अलग अलग क्लासिफाई किया गया वो आपको बताना है जैसे मैं अगर बात करूँ फर्स्ट ग्रुप की हेलिना हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप हाइड्रोजन लिथियम सोडियम यही ग्रुप इस एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर यही एलिमेंट क्यों रखे गए क्वेश्चन ये उठता है दूसरे एलिमेंट क्यों नहीं रखे गए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी तो बाई अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन सच ए वे इस तरह से अगर हम एलिमेंट को अरेंज कर दें दैट सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टूगेदर हमने इसीलिए पढ़ी बच्चा जरूरत तो मैं बताऊँ बेसिकली आपको ताकि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है ना वो तो सेम ग्रुप में रखे जाएं और जिनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टी है वो अलग रखे जाएं ठीक है इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या बताया मैंने बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स अरेंज यानी तत्वों तो को व्यवस्थित करने के लिए इन सचेवे इस तरह से दैट की सिमिलर एलिमेंट तो इकट्ठे रखे जाएँ और डिसिमिलर एलिमेंट अलग रखे जाएँ फ्रॉम वन अनदर एक दूसरे से दिस इज नोन एज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इसी को हम क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट सच क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इस तरह से जब हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा तो एक पीरियोडिक टेबल हमारी बन गई क्या बन गई भाई पीरियोडिक टेबल हमारी यहाँ पे बन गई ठीक है यही आपको इसमें बताना था ठीक है चलिए नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की बात हम करेंगे व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल आवर सारणी क्या होती है इट मे बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ द नॉन एलिमेंट जितने भी हमारे पास नॉन एलिमेंट हैं उनकी अरेंजमेंट उनको व्यवस्थित करना अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी उनके गुणों के आधार पर इन ए टेबुलर फॉर्म एक, एक टेबुलर फॉर्म में मतलब एक टेबल की फॉर्म में एट प्रेजेंट देखो ये नोट्स पुराने हैं बच्चों इसलिए यहाँ पर वन वन एट आए हुआ ठीक है एक सौ अठारह हो चुके हैं आज हमारे पास नॉन एलिमेंट तो एट प्रेजेंट देर आर टोटल वन एटीन एलिमेंट्स नॉन कितने ज्ञात एलि तत्व हमारे पास हो चुके है? 118. Groups, groups हैं एक सौ अठारह देर आर एटीन ग्रुप्स कितने ग्रुप्स हैं पीरियडिक टेबल की मैं बात करूँ मॉडर्न पीरियडिक टेबल की इफ़ आई टॉक अबाउट मॉडर्न पीरियडिक टेबल देन देर आर एटीन ग्रुप्स एंड ए सेवन पीरियड्स अब क्वेश्चन ये ईयराइज होता है भाई वट आर ग्रुप्स एंड पीरियड्स तो मैं आपको बता दूँ ग्रुप्स क्या होते हैं ये वाले ये मेरे पास टोटल कितने ग्रुप हैं पीरियड टेबल में एट्टीन ग्रुप्स हैं वट आर दीज दीज आर द वर्टिकल कॉलम तो वट आर ग्रुप ग्रुप आर नथिंग बट दीज आर वर्टिकल कॉलम्स वर्टिकल कॉलम हमारे होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं वट आर पीरियड्स पीरियड्स की मैं बात करूँ तो ये मेरे पीरियड्स हैं वो इसके अंदर यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पीरियड्स हैं वही वट आर दीज दीज आर द दॉरिजेंटल रोज ये क्या है अक्सैतीज रेखाएं यानी होरिजेंटल रोज हमारी हैं ठीक है थीके? समझ गए ना ये दोनों की डेफिनेशन हमारे पास है तो टोटल कितने पीरियड्स हैं आज की टेबल में सेवन और कितने ग्रुप्स हैं एटीन ठीक है चलिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में किन किन साइंटिस्टों ने क्या क्या योगदान दिया उसको डिस्कस हम करते हैं इस टॉपिक के अंदर सम ऑफ द अर्लियर इंपॉर्टेंट अटैप्स टू क्लासीफाई द एलिमेंट आर ब्रीफली सम्ड अप बिलो कुछ प्रयास किए गए टेबल को सुधारने में या फिर कुछ ही इस टेबल को बनाने में जो पुराने समय में तो सबसे पहले आया डाइवेराइनियर ट्राइड आपने पढ़ा होगा टेंथ में इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से डाबेराइनियर हिंदी में जो पढ़ते थे बच्चे डाबेराइनियर त्रिक सिद्धांत बोलते थे बच्चों इसको डाइवेराइनियर का त्रिक नियम ठीक है वॉट इज दिस डावेरार ट्राइड डाइवेरा ट्राइड हमारा क्या होता भाई अकॉर्डिंग टू दिस एलिमेंट इन ए ट्राइड हैड सिमिलर प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल मेंबर ऑफ ईच ट्राइड इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थमेटिक मीन एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट समझाता हूँ कैसे देखो डावेरियर ने क्या किया तीन एलिमेंट ले लिए भाई फर्स्ट एलिमेंट लिया उसने फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था ना फर्स्ट एलिमेंट का जो ऑटोमिक मास था उसके अंदर उसने क्या किया थर्ड एलिमेंट का जो ऑटोमिक मास था वो जोड़ दिया इन दोनों का एवरेज जब निकाला एवरेज मीन्स जितनी संख्याएं उतने से डिवाइड करें है ना क्या बोला मैं देखो उसने क्या किया डाइवेरानीर ने क्या किया उसने एलिमेंट लिए तीन बच्चों देखो लिथियम सोडियम और पोटेशियम ठीक है उसने क्या किया फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का को जोड़ के एवरेज निकाला तो बीच वाले का ऑटोमिक मास वही था जो इनका एवरेज था समझ गए ना दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायबेरानियर ट्राइड्स क्या बोल रहा मैं देखो समझो इसके अंदर है। लिथियम का अटोमिक मास कितना था भाई सेवन पोटासियम का अटोमिक मास कितना था थर्टी नाइन दोनों को एवरेज निकाला मीन्स दो संख्याएं हैं तो दो से डिवाइड करेंगे कितना आ गया यहाँ पे जोड़ोगे तो फोर्टी सिक्स को दो से डिवाइड करोगे तो ट्वेंटी थ्री और आप जानते हो ट्वेंटी थ्री क्या होता है अटोमिक मास ऑफ सोडियम तो डायबेरानियर ने तीन एलिमेंट लिए बच्चे त्रिक नियम त्रिक नियम इसलिए ट्राइड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीन ही एलिमेंट इसके अंदर लिए गए थे तो उसने तीन एलिमेंट लिए फर्स्ट और थर्ड का जो ऑटोमिक मास था उसका एवरेज निकाला तो बीच वाले का ही ऑटोमिक मास आ गया दैट वॉज द डावेरा ट्राइड्स ठीक है यहाँ पे देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम के आएगा यहाँ पे भी ठीक कर लेना इसको के पोटेशियम के फॉर पोटेशियम होता है ठीक है अब देखो फिर उसके बाद क्या हुआ ये नियम हमारा फेल हो गया क्यों फेल हुआ ये नियम बहुत से एलिमेंट पे लगता ही नहीं था इसलिए फेल हो गया फिर आया न्यूलैंड का लॉ ऑक्टिव का सिद्धांत यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव इसको बोलते हैं बच्चों न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत अष्टक क्यों बोला गया जैसे म्यूजिक में शौर होते हैं हमारे पास म्यूजिक में शौर कौन कौन से होते हैं सा रे गा पा धा नी सा ये देखो अलग अलग स्वर होते हैं हमारे पास आठ स्वर कितने होते हैं आठ यानी सा रे गा मा पा धा सा ठीक है इन स्वरों के आधार पर क्या है जैसे मेरा पहले वाला सा था तो आठवें वाला भी क्या आ रहा है इसके अंदर सा ही तो आ रहा है ये कहना क्या चाहते हैं इसके अंदर देखो अगर फर्स्ट मेरा सा था तो देखो सा रे गा मा पा धा सा तो एट वाला एटथ नंबर पर भी सा ही आता है यानी पहले ग्रु जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है बच्चे वो एट्थ वाले के साथ मैच होती हैं क्या बोला मैं द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आर सिमिलर टू द एट्थ एलिमेंट जैसे मैं समझाऊँ इसके अंदर देखो अकॉर्डिंग टू हिम न्यूलैंड के अनुसार वहन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक वेट जब एलिमेंटों को बढ़ते अटोमिक वेट के आधार पर व्यवस्थित किया गया प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट प्रत्येक आठवें तत्व का जो गुण था आर सिमिलर समान था वो किसके फर्स्ट वन पहले के समान था That is इज called this relation as the law of octave to due to similarity with the बताया था ना मैंने म्यूजिकल स्केल पे भी सिमिलरिटी होती है हमारी शौरों के अंदर ठीक है तो देखो ये हमारे पास एलिमेंट लिए गए देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और एट्थ देखो फिर सोडियम आ गया फिर आगे चला उसने इसी तरह से फिर हमारा एट्थ पोटाशियम आ गया तो प्रॉपर्टी मिलती जा रही थी भाई जैसे लिथियम सोडियम पोटाशियम प्रत्येक आठवां जो एलिमेंट है वो सेम प्रॉपर्टी का आ रहा था हमारे पास लेकिन ये नियम भी केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ आप देख सकते हैं ये नियम कहाँ तक लागू हुआ कैल्शियम तक ही लागू हुआ फोर्टी तक ही अप्लाई उसके बाद ये नियम हमारा फेल हो गया इसलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर लोथर मेयर अरेंजमेंट लोथर मेयर अरेंजमेंट में क्या हुआ भाई ऑन दिस बेसिस इस बेसिस पर अगर मैं बात करूँ लोथर मेयर प्रोपोज दैट वहन द एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देर एटोमिक वेट लोथर मेयर ने क्या बताया कि जब भी भी एलिमेंटों तो को बढ़ते अटोमिक वेट के आधार पर रखा गया है सिमिलरिटी इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अपीयर एट रेगुलर इंटरवल उसने कहा कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना और केमिकल प्रॉपर्टी है उनमें सिमिलरिटी मिलती हैं लगातार जैसे क्या बताया था उसने कि मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ फर्स्ट ग्रुप में ही चला चलो मैं एलिना की रूबी से फ्रेंडशिप तो ऊपर से नीचे मैं एटॉमिक रेडियस देखूं बच्चों समझाऊंगा बाद में क्या होता है एटॉमिक रेडियस अगर मैंने देखा तो इंटरवल पे बढ़ता जा रहा था जैसे इसका टेन था इसका फिफ्टी था इसका कितना था इसका नाइन्टी था मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे ये वैल्यू बढ़ती जा रही थी इसी तरह से अगर मैं लेफ़्ट टू राइट गया टेबल में तो भी ये वैल्यू रेगुलर इंटरवल पर घटती जा रही थी समझने के लिए बता रहे हैं आपको ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी जी मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूं अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं अगर मैं इनकी बॉन्डिंग की बात करूं या फिर मैं इनकी हाइड्रेशन एनथेलपी आयोनाइजेशन एनथेलपी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी भी बच्चों फ़िजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो क्या है रेगुलर इंटरवल पर क्या है ऐसा अपीयर हो रहा था कि जैसे ये रेगुलर इंटरवल पे क्या है एक तरह से सिमिलर similar, इसमें सिमिलरिटी आ जाती है बट ये लोथर में अरेंजमेंट भी हमारी काम नहीं आई उसके बाद मेंडलिफ पीरियोडिक लॉ मेंडेलिफ बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे भाई उनको हमें साइंस का जादूगर भी बोल दें तो भी कम नहीं है क्योंकि मेंडलिफ ने ही हमें पीरियोडिक लॉ दिया था दिस लास्ट स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देर अटोमिक वेट उन्होंने क्या बताया मैंडलिफ ने कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ना जिस जितनी भी एलिमेंट है सबकी वो उनका पीरियोडिक फंक्शन है किसका एटोमिक वेट का जबकि आज की टेबल क्या कहती है अटोमिक मास बजाय एटॉमिक नंबर का ही बेसिस होती है वो सच ऑर्डरली सच ऑर्डरली रिकरिंग प्रॉपर्टीज इन इन ए साइकिल फैशन आर सेट टू बी अकरिंग पीरियोडिक यानी ये सारी प्रॉपर्टी लगातार ये चेंज होती जा रही है ठीक है अच्छा मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या कहती है द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल बाई मेंडलीफ हैड सिक्स पीरियड उसके अंदर क्या थे छः तो पीरियड थे बच्चों और एट ग्रुप थे बस जबकि आज की टेबल में कितने हैं तीन तो ग्रुप हैं और कितने पीरियड है सेवन्थ पीरियड हमारे पास लिए गए हैं आज की टेबल में इन दिस टेबल ईच ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू सब ग्रुप पहले क्या था बच्चों जैसे फर्स्ट ग्रुप मेरा है ये ठीक है ये एलिना की रूबी से फ्रेंडशिप सेकेंड ग्रुप मेरा बेरिलियम से स्टार्ट हो जाता है मैग्नीशियम तो इस ग्रुप को भी क्या सब ग्रुप में बांटा गया था जैसे सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी लेकिन आज क्या आप ऐसा देखते हैं नहीं ये फर्स्ट ग्रुप है ये सेकेंड ग्रुप है फिर थर्ड ग्रुप आ जाता फोर्थ फिफ्थ ठीक है इस तरह से फर्स्ट से सेकेंड एस ब्लॉक एलिमेंट और थ्री से लेके कर ट्वेल्थ तक डी ब्लॉक एलिमेंट थर्टीन से लेके एटीन तक पी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाते हैं ठीक है सॉरी इनर ट्रांजिशन क्योंकि वो डी के अंदर से ही निकले हुए हमारे होते हैं डिस्कस करेंगे आगे चलेंगे तब देखिए तो पहले सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था बट आज ऐसा कुछ नहीं है तो मैंडलिफ का जो कंट्रीब्यूशन था सहयोग था वो कितना था टेबल के अंदर वो देखो आप जो मैंडलिव की पीरियोडिक टेबल में हमें क्या क्या फ़ायदे हुए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट सिस्टमेटिक स्टडी हमने करनी जान ली हुई इसके द्वारा यानी किस तरह से एलिमेंट को सिस्टमेटिक स्टडी पे रखा गया है यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट अलग हैं पी के अलग हैं ठीक है क्रेक्शन ऑफ एटॉमिक मास कुछ मासिस में गलतियाँ थी मिस्टेक थी ठीक है एरर थी वो क्या है सुधार दी गई प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट और एक देखो इंटरेस्टिंग चीज़ इनको क्यों बोला जाता है साइंस का जादूगर या पीरियोडिक टेबल का ज्ञाता क्योंकि मैंडेलिफ ने ना पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी देखो कितने समय पहले की बात है ठीक है इतने समय पहले ही मैंडलिफ ने क्या कर दिया था कि कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे और वो कहाँ रखे जाएंगे यहाँ पर रखे जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा उनकी हीट एंड थेल्पी इतनी होगी उनका डेंसिटी इतनी होगी बट वो एलिमेंट के नाम ही नहीं बता पाया था बस ठीक है लेकिन उन्होंने प्रेडिक्शन बहुत अच्छा कर दिया था भविष्यवाणी ऐसी कर दी थी ज़बरदस्त तो ये बहुत सोचने की बात थी कि कितना ज़्यादा नॉलेज होगा उस बंदे को भाई जो पहले ही उसने सारी चीज़ें बता दी थी ठीक है तो चलिए मेडलिफ की पीरियडिक टेबल के कुछ दोस्त हैं जो कुछ दोस्त आज भी हमारी टेबल में प्रेजेंट हैं तो फर्स्ट डिफेक्ट क्या है बच्चों पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की पोजिशन क्या है गलत है क्यों गलत है देखो आप खुद देख लें हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप यह हाइड्रोजन अकेला नॉन मेटल है बच्चों फर्स्ट ग्रुप में जबकि सारे क्या हैं अल्ली मेटल कहलाते हैं तो पहली बात तो यही है मेटल की प्रॉपर्टी अलग होती है नॉन मेटल की अलग होती है तो इस ग्रुप में इसको रखना क्या है ठीक नहीं है सेकेंड देखो अनोमुलस पेयर कुछ पेयर ऐसे थे जो अनोमलस बना दिए थे बनने नहीं थे बल्कि विचित्र रूप से उन पेयर को बनाया गया था पोजिशन ऑफ आइसोटोप आइसोटोप की पोजिशन बिगड़ बडेसन में थी वही प्रत्येक आइसोटोप को क्या है एक अलग स्थान दिया गया था एच वन वन एच वन टू एच वन थ्री ये प्रोटियम है ड्यूटेरियम है ट्रीटियम है तो ना एक ही हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन तो एक ही है ना एलिमेंट बट ये तीनों आइसोटोप को अलग अलग जगह दे दी गई थी तो ये भी गलत हो गया ना सारा मैटर सब कुछ सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर आर ग्रुप टुगेदर कुछ सिमिलर एलिमेंट को तो अलग कर दिया गया था बच्चों जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी बट कुछ डिसिमिलर असमान तत्वों को क्या है ग्रुप टुगेदर यानी इकट्ठा कर दिया गया था तो ये भी मिस्टेक बहुत ही बड़ी थी कोज ऑफ पीरियोडिसिटी कुड नॉट एक्सप्लेन बाय मैंडलिफ मैंडलिफ ने पीरियडिसिटी का कारण नहीं बताया था कि क्यों सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया है और टू एट एट एटीन एट एटीन एट थर्टी टू ये बात भी तब तक पता नहीं थी मैजिक नंबर बाद में बनाए गए चलिए पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड और एक्टेनाइड का तो कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे जबकि आज हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देर एटॉमिक नंबर्स अटोमिक नंबर्स यानी जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ना सारी अटोमिक नंबर का फंक्शन है पहले क्या था अटोमिक मास से रिलेट किया जाता था जैसे मैं अगर बात करूँ अटोमिक रेडियस की अटोमिक मास से उसको रिलेट किया जाता था कि जो बढ़ते मास के आधार पर रखे गए थे एलिमेंट लेकिन आज हम क्या करते हैं अटोमिक नंबर के आधार पर उसको अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं क्योंकि नंबर को याद करना भी ईजी होता है ठीक है बच्चों चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है आज का डिस्कवरी एंड नोम क्लेचर ऑफ एलिमेंट विद विदोमिक नंबर मोर देन हंड्रेड अब कुछ ऐसे एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी वहां पर जिनका एटॉमिक नंबर क्या है हंड्रेड से ज्यादा था तो उनके नोमन क्लेचर के ऊपर ही क्वेश्चन उठा भाई उनके कुछ नाम तो हुए नहीं तो आई ने क्या किया उनका एक नोमन ग्लेचर बना दिया कि इसका नाम इस नोमन ग्लेशियर के आधार पर रखा जाएगा ठीक है तो क्या था वो रूल है बच्चों एक छोटा सा ये रूल आप याद रखें इसमें हमने करना क्या है बड़ा सिंपल है देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिजिट यहाँ पे रूट रूट नेम यहाँ पे एब्रीवेशन लिख रहे हैं जो उस उसमें सिंबलाइज करेंगे हम सिंबल देंगे ठीक है तो बच्चों जीरो को बोला गया वहाँ पे नील जहाँ पर भी आपको जीरो दिखे तो लिखोगे नील फर्स्ट को बोला गया वन अन एक को क्या बोला गया अन दो को बोला गया बाई थ्री को बोला गया ट्राई चार को बोला गया क्वैड क्वैड मीन्स विचार होता है क्वार्टर मीन्स विचार होता है ठीक है पेंट को बोला गया यहाँ पे पाँच को बोला गया पेंट उसके बाद छः को बोला गया हैग्ज़ सात को बोला गया क्या भाई सेवन यानी इसके आधार पर अगर रखेंगे तो हम इस उसके बाद जो लिया गया छः को बोला गया हैग्ज़ सात को बोला गया सेप्ट बच्चों वैसे एप्ट भी होता है सात क्या बताया मैंने यहाँ पे जो सेवन है वो हैप्ट भी होता है लेकिन आप सात को यहाँ पे सेफ्ट ही लिखें वो टेंथ तक हमारा यूजफुल था वो जो हम हाइड्रोकार्बन के आई पी नेम करेंगे ना तो उनके लिए दोनों यूज होते हैं लेकिन यहाँ पर आप क्या रखोगे सेप्ट ही रखोगे सावन को एट को बोला गया अवयोक्ट और नाइन को बोला गया यहाँ पे इन क्या बोला गया इन देखो वो थोड़े से अलग रूल होते हैं वो आपको बताए जाएंगे जब हमारा चैप्टर आएगा इलेवंथ या फिर ट्वेल्थ चैप्टर में वो डिस्कस हम करेंगे तो देखो सिंबल क्या क्या थे बच्चों इनको नील का सिम्बल स्मॉल एंड अनका सिंबल स्मॉल यू और बाई का बी ट्राई का टी क्वेड का क्यू पेंट का पी हेक्स का एच और सेप्ट का एस और इन ऑक्ट का सॉरी ओक्ट का मारा गया है ओ है और इन का बच्चों ई है नाउ यू कैन राइट आई पीछे ने मोर देन ऑटोमी नंबर मोर देन हंड्रेड यू कैन राइट एज देखो जैसे मैं बात करूं आपको क्या करना है सबके पीछे आई यू एम लगाना बच्चों याद रखोगे ना ये सारे रूल लिख के क्या लगाना सबके पीछे आई यू एम म ठीक है जैसे मैं 104 के लिए लेता हूँ 104 104 को आप कैसे डिफाइन करोगे 104 में फर्स्ट लेटर क्या है वही वन फर्स्ट डिजिट क्या है वन वन को क्या लिखोगे अन ठीक है जीरो को क्या लिखोगे नील ठीक है और उसके बाद फोर को क्या लिखोगे क्वैड और पीछे क्या लिखाओ लगाओगे आई यू एम तो क्या बन गया अन नील क्वेडियम क्या बन गया बच्चों अन नील क्वेडियम मैंने बताया ना रूल सारा आपको एक बार और देख लें यहाँ पे सभी रूट नेम याद रखने हैं आपको और ये याद रखने हैं ताकि सिंबल आ जाए तो लिख दो आप ठीक है जैसे मैं बात करूँ अगर यहाँ पे वन ज़ीरो टू की एक सौ दो की तो बताओ वन को क्या लिखोगे अन्य ठीक है उसके बाद ज़ीरो को क्या लिखोगे नील है ना नील और दो को क्या लिखोगे बाई और लास्ट में लगा दोगे आई यू एम अन्य नील बियम अन्य नील बी एम क्लियर है ये मैंने लिख भी दिया आपके नॉलेज के लिए और इसका सिंबल अगर आप देखो तो अन का क्या होता है बच्चों यू फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड द रिमेनिंग लेटर शुड बी स्मॉल देखो यू सिंबल होता है कैपिटल यू उसके बाद क्या है फिर एन और फिर क्यू देख सकते हो ना टेबल से तो ये क्लियर हो गया टॉपिक हमारा आज का भी यहाँ पे देखो वन जीरो वन एक सौ एक को क्या लिखोगे? यू, यू? क्या, लिखोगे? यू यू? क्या लिखोगे यू एन यू क्या लिखोगे यू एन यू क्योंकि एक का सिंबल क्या होता है यू और जीरो का एन और यू एक का फिर यू और इसको क्या लिखोगे अन्य नीले अनियम अनियम un दो को क्या लिखोगे अनिले अन्य नीले बियम एक सौ तीन को क्या लिखोगे अन्य नीले ट्रियम एक सौ चार को क्या लिखोगे अन्य नीले क्वेडियम सिंबल देखते जाना साथ में यू एन क्यू वह एक सौ पाँच को क्या लिखोगे अन्यले पेंटियम यू एन पी एक सौ छ को क्या लिखोगे अन्यिले हेक्जियम यू एन एच एक सौ सात को क्या लिखोगे अन्य नीले सेप्टियम यू एन एस एक सौ आठ को क्या लिखोगे अनिल ऑक्टियम यू एन ओ एक सौ नौ को क्या लिखोगे अन इनियम ये ध्यान से देख लेना अन इनियम यू एन ई ठीक है अच्छा एक सौ दस को क्या लिखोगे अन्न नीलियम एक सौ ग्यारह इम्पोर्टेंट देखो अन नीलियम यू ट्रिपल यू हो जाएगा बच्चों इस तरह से आप कंटिन्यूसली चल सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। हैं आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा और आप जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो इसमें मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक सौ अठारह एलिमेंट हैं और एलेवंथ क्लास में एस और पी याद कर लोगे तो भी काफ़ी इनफ है बच्चों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद कर लोगे तो भी इनफ है वैसे मैंने वीडियो में सारा करवाया है एस पी डी एफ सब कुछ बता रखा है जो वीडियो मेरे पास मैंने बनाई है इसके ऊपर ठीक है तो ये देखो हाइड्रोजन को याद रखने की ट्रिक क्या है फर्स्ट ग्रुप हमारा है एस ब्लॉक का जिसको अल्कली मेटल्स बोला जाता है अल्कली मेटल्स याद कैसे करोगे हेलिना की हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप एटोमिक नंबर याद रखो वन थ्री इलेवन नाइनटीन थर्टी सेवन फिफ्टी फाइव एंड एट्टी सेवन ये ट्रिक यहाँ पे लिखी गई है एलिना की रूबी से फ्रेंडशिप या फिर हेलिना की रब से फरियाद ठीक है और अटोमिक नंबर कैसे याद किए हाइड्रोजन का याद करो बस एक उसके बाद जितने हैं ना सब में ये जोड़ दो टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू ये रूल होता अभी टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू जैसे नेक्स्ट वाले में टू जोड़ के निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा थ्री फिर इलेवन एट जोड़ोगे तो फिर एट जोड़ोगे नाइनटीन फिर एटीन जोड़ोगे तो, फिर एटीन जोड़ो तो, फिर थर्टी एट तो, एट टू तो, इस तरह से कंटिन्यूसली इसका जो एटॉमिक नंबर है इसके आगे रखोगे तो एक जोड़ दोगे बस तीन में से एक जोड़ दिया चार हो जाएगा ग्यारह और एक बारह हो जाएगा उन्नीस और एक बीस ट्रिक क्या है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी कार स्कूटर ही तो मांग रहा है और बड़ी चीज़ तो नहीं मांग रहा ना इसलिए राजी हो गया एल लाइन अर्थ मेटल हमारी सारी की सारी क्या हैं बैरेम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम रेडियम इस तरह से हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम फ्रांसीियम और ये हमारे जनरली लास्ट वाले क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एट्टी टू से अबोज जिसका टॉमिक नंबर होगा ना बच्चों जनरली रेडियो एक्टिव माना जाता है क्लासिफिकेशन में किसकी साइंटिस्ट ने एल्की डावेरियर न्यूलैंड मैंडेलिफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसेल के मोसेल के द्वारा लिखी गई थी ठीक है उसके बाद टोटल एलिमेंट मैंने बता दिए मेटल नाइन्टी वन है नॉन मेटल ट्वेंटी सेवन है और एट ग्रुप हमारे एटीन है पीरियड हमारे सेवन हैं और आप नेक्स्ट पी ब्लॉक को भी याद कर सकते हो ना उसी तरह से ठीक है पी ब्लॉक को याद करोगे तो कैसे याद करोगे देखो मैंने दोनों ग्रुप इस फर्स्ट पेज पे ही ना दिए हैं दोनों के दोनों तो इसमें क्या है बच्चों बैंगन बैंगन आलू गाजर इन थैला हो गया याद क्लियर है उसके बाद कहें शिवजी सुनो पार्वती ठीक है कहें शिवजी सुनो पार्वती या फिर आप और भी बहुत सारी ट्रिक हैं जैसे कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ग्रुप की दैट इज़ नाइट्रोजन फैमिली ये नहीं ये क्या है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान या फिर नहीं पसंद ऐसे सब भाई ठीक है नहीं पसंद ऐसे सब भाई जो बात बात पे करे लड़ाई ठीक है ये हो जाएगा याद आपको और सही से तेल पॉलिश और सही से तेल पॉलिश ठीक है या फिर इसको बोल सकते हो आप एक ट्रिक और है उसमें किसी का नाम लिया जाएगा जैसे ओ सशि टपोरी ओ शशि टपोरी ठीक है उसके बाद है, हमारे पास फिर कल बाहर आई अंटी ठीक है या फिर आप याद रखो फक्कल आई एट फिर कल बाहर आई अंटी ठीक है उसके बाद हनी अगर करे मान लो हनी कोई क्रिकेटर है ठीक है तो हनी अगर करे जीरो रन पे आउट या फिर इसमें कुछ नाम याद रख लो जैसे हिना नीना अरीना करीना जीना रीना ठीक है कुछ भी याद करो ट्रिक है ये तो मैंने आपको बता दिया था कि लिक्विड मेटल मरकरी है लिक्विड नॉन मेटल भी हमारे पास ब्रोमिन होती है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन है मोस्ट अबंडेंट मेटल हमारी एल्यूमिनियम है लाइटेस्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है लाइटेस्ट मेटल मेरी लिथियम है और एवियस्ट हमारी ओसमियम होती है एक चीज़ और बता दूँ सबसे महंगी धातु क्या बता रहा हूँ मैं इसके अंदर सबसे महंगी धातु कौन सी है बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने तो रोडियम आर एच होती है भाई सबसे महंगी धातु होती है रोहडियम ठीक है इससे एंटीमर बनता है क्या बनता है एंटीमर और ये इतनी महंगी धातु है बच्चों इसकी एक या दो ग्राम मात्रा से ही सौ देशों को खरीदा जा सकता है कितने हंड्रेड ऑफ कंट्रीज़ ठीक है तो आज का टॉपिक हमारा पूरा हुआ और ये आप अच्छी तरह से करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जल्दी ही लेके आते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो थैंक्स बाय बाय है नाइस डे कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग